हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज हम फाइनली निकल रहे हैं रात को। अच्छी बात है ना, आपको तो 6 बजे देखने को मिल ही जाएगा ब्लॉग मेरा। तो हम शाम को निकल रहे हैं। आज रात का भी नाइट व्यू दिखाते हैं आपको दुबई का, दुबई कैसा है। तो चलो मेरे साथ। हम आ गए पार्किंग में, सब निकल रहे हैं भाई। सबसे पहले तो हम आए जल्दबाजी में निकल गए फिलिप, क्योंकि फिलिप बंद हो जाता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आए। इसके बाद हमें जाना है दुबई AIN, जो भी आए बोलते हैं, कुछ भी है दुबई वहाँ पे। तो वहाँ पे बस एक आइसक्रीम खानी है और कुछ नहीं। उसके बाद देखते हैं अगर प्लान हुआ आगे जाएंगे, वरना वापस आएंगे घर पे, क्योंकि यार एडिटिंग बाकी है, एडिटिंग करनी है आज की। ठीक है, तो चलो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको दिखाता रहूँगा जो जो भी करूँगा। इसके साथ एक सुपर मार्केट भी है, यारी सुपर मार्केट। यार ये चीज़ से ना मुँह जला देती है, तो इसलिए मैंने ये उतार दिया, उतार के बेटर रहता है। एक्चुअली क्या है, ये फिली की चाय तो ना मैं बहुत, मतलब होता है ना 3-4 दिन में, अब जब भाई लोग पीते हैं तो यार मैं कहता हूँ चल पी लेता हूँ बीच बीच में। और यहाँ पे ये स्टोर है, इसके साथ ही हमने वो खाया था उस दिन, जूस पिया था मैंने, जो भी था इसके साथ ही था। और भाई बिल्लियाँ वहाँ पे, बेअंत बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं बहुत सारी वहाँ पे भाई। लेकिन कुछ भी बोलो, गाड़ी बड़ी धाकड़ है, धमाकेदार चलती है रोड पूरी। और यहाँ पे 100-120 ये नॉर्मल स्पीड है, मतलब यहाँ पे 100-120 ये नॉर्मल स्पीड है। एक गाड़ी हमने देखी थी भाई बजी हुई आ रहे थे हम, पीछे से पूरी आगे स्टीयरिंग तक बजी हुई थी, मतलब ऐसे ठुकी हुई थी अंदर तक। देख के मैं थोड़ा डर तो गया था, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं चलने दे, क्योंकि पहला एक्सीडेंट देखा था ना दुबई में ऐसा। क्लिप पड़ी होगी तो मैं डाल देता हूँ, अभी शायद आजकल की बात ही है, रिकॉर्ड की थी थोड़ी सी। इसके साथ ही वहाँ है बिल्लियों वाली जगह, काफ़ी सारी बिल्लियाँ थी ना जब हम आए थे पैदल पैदल, कल परसों जब भी आए थे, ध्यान नहीं है मेरे को। तो इसके साथ ही है, तो चलो अब वहाँ पे जाते हैं, कुछ अगर होता है खाने पीने के लिए देख लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि खाया किसी ने कुछ नहीं है ज़्यादा। बताओ बिल्ली का नाम लिया, बिल्ली पहले ही हाजिर होगी। और है वाइट बिल्लियाँ, देखना दिख रही है, मेरे को लगता है यहाँ पे ना रहती हैं यार, यहाँ पे होती हैं बिल्लियाँ भाई, इतनी है ना खतरनाक। ये देखो दो दो यार, हाँ बोलती कैसे है ना, मतलब बैठने की देरी होती है, साथ के साथ जाती हैं, इसलिए मैं आज बाहर बैठा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इनके और शॉट ले लूँ अगर आएंगी तो। हाँ ये ले, ये ले, ये ले, देखो मैं भी आ रहा हूँ। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है इनको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। दूध पी के सेट होंगे, दूध मंगाया हुआ है, दूध आ रहा है, दूध पी के सेट हो जाएंगे बढ़िया। वैसे हमारे हमारे पास ही रह रही हैं ज़्यादा ये, हम क्योंकि इनको ज़्यादा लाड़ प्यार कर रहे हैं इसलिए। ये तो फ्रेंच फ्राइज भी खा गई भाई। हम अब चलते हैं, नहीं तो आसपास भटक रही थी, अब इनका पेट भर गया, अब हम चलते हैं, हमें पसीने आ गए बैठ के, देखा इतनी गर्मी है, चलें लेट्स मूव। नहीं जैसे मैं अभी सिनेमैटिक शॉट ले रहा हूँ ना, अभी देखो इसमें कट रहा होगा मेरा कहीं ना कहीं सर कट रहा होगा, अगर मैं ध्यान से रखूंगा तो। अगर भाई ये काम 0.5 में हो गया ना और ग्रेन्स बंद होगी तो फोन भाई बस ताबड़तोड़ है व्लॉगिंग के लिए, बहुत ज़बरदस्त है। तो चलो निकलते हैं अब, मैं भी सिनेमैटिक से ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसा आ रहा है लेकिन अच्छा यार होगा, मैं बैक कैमरा से ले रहा हूँ ना। चलो भाई निकलते हैं, इनको छोड़ते हैं, चलो बाय बाय बिल्लियो बाय। तो भाई अब फाइनली यहाँ से निकलते हैं, फोटोशूट भी फिल्ली के सामने करवा लिया थोड़ा बहुत, एक दो पिक्चर्स, क्योंकि नॉर्मल कपड़ों में ही हूँ मैं तो, लोअर में और चप्पलों में। पहुंचे हैं दुबई, आए जो हम कुछ दिन पहले आए थे, मैंने बताया था ना आपको रात को जब भी टाइम मिलेगा हम आ जाया करेंगे। इस बार हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम 20 मिनट में पहुंच गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक आइसक्रीम लेने आया हूँ, याद है आपको लास्ट टाइम मैंने आइसक्रीम खाई थी विदाउट एग, वो लंबा सा कौन, वहाँ पे आए हैं वो लेने के लिए, बस लेते हैं फिर निकलते हैं। दी बेस्ट व्यू है यहाँ का, दी बेस्ट व्यू। और ये रही आइसक्रीम की शॉप, ये वाली, यहाँ से आइसक्रीम लेते हैं और निकलते हैं। अच्छा ठीक है, देख लो आप क्या बोल रहे हो आप, किसी भी मिल्की आइसक्रीम स्पॉट में जाएं, आइसीप में है,
ग्लोबल विलेज में भी होगा, एक्सपो में भी है, बहुत से ब्रांचेस है हमारी। अच्छा तो ये मैं दिखाऊंगा, मेरे को फ्री आइसक्रीम मिल जाएगा भाई, फ्री इसको दिखाती हूं, सेव रखूंगा, संभाल के रखूंगा। लेकिन आपने खाली हमको टैग करना है, आपको टैग करना है, स्टोरी डालना है इंस्टाग्राम पे और मिल के आइस को टैग करना है। मैं तो अभी भी टैग कर देता हूँ, मुझे फ्री दे दो। एक बार देख लो, 5 ही देना, 10 देना, एक बार देखो, 20 30 40 10 देना ना। मैंने कहा वही ऐसे तो शुक्रिया, तो जाते मेरे को देखा इन्होंने व्लॉगिंग बनाते हुए, तो कार्ड निकाल के दे दिया, कह रहे अब नेक्स्ट किसी भी स्टोर पे जाओगे ना, आप कार्ड दिखाओगे तो आपको फ्री आइसक्रीम मिल जाएगा। मैंने कहा सही है यार, तो क्या एक छोटा सा व्लॉग बना देना। तो भाई व्लॉग यही है कि इनसे आइसक्रीम कभी आते हो तो खा लेना, बड़ी टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है आइसक्रीम। यार रास्ते में प्यास ना लगे, आज यार घर से पानी लेके आना भूल गया और यहाँ से लेना पड़ा आइसक्रीम, तो खैर खत्म हो गया है। आइसक्रीम से ऊपर पीना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तो बाहर रहेंगे, तो यार यहाँ से इतनी सी बॉटल 5 दिरहम की मिली है, हमने 2 बॉटल्स ली हैं। तो वही आइसक्रीम वाले भैया आ गए थे अपनी दुकान, उन्होंने बढ़ा दी ना, तो उसके बाद आए, वो कह रहे अपना यूट्यूब का चैनल बता दो, हम देखेंगे। मैंने कहा चलो स्टार्टिंग है अभी, तो देख लेना आप। तो भाई हाँ मैं बता रहा था कि यार 5 दिरहम की मिली है एक बॉटल, और हम कितने के लिए आते हैं, 6 बोतलें 6 बोतलें 5 दिरहम की बिस्लेरी की लाए थे, 1.5 लीटर पर बॉटल। बिस्लेरी की 6 बोतलें ले गए थे, पर बोतल 1.5 लीटर थी, देख लो कितना फर्क होता है यार ऐसी ऐसी जगह पे, ये मुश्किल से 5 गुटी होंगी। तो भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, वही सारा कुछ घूम के अब हम आ गए हैं मार्केट में, अपने घर के पास ही है मार्केट, ये वाली जो आता हूँ मैं सुपरमार्केट में। ब्रेड लेनी है यार, कल के लिए ब्रेड है नहीं, मैं भूल गया था भाई, ब्रेड ले लिए और बस अब निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। चलो हम पहुँच गए हैं लिफ्ट में, मैंने पहले निकाल लिया था कार्ड, एक कार्ड के बिना ना खुलता नहीं है, अब खुला ना फटाफट पहले ही। ओहो ये तो सर्विस लिफ्ट है, वहाँ जाना है हमने, यहाँ से जाना, मैं तो गलत हो गया था, इसके बिना खुलता नहीं है, अब खुल गया, अब एक खुलेगा। पहुंच गए हमने रूम में जो फ्लैट है, तो भाई यहाँ भी कार्ड लगता है, खुल गया पर्स में, खुल गया भाई पर्स में, गांधी जी ज्यादा चमक रहे हैं, यहाँ के नोट हो रहे हैं खत्म, गांधी जी दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने वो भी रखे हुए थे गांधी जी के नोट, 200 के 100 के 500 के। तो चलो पहुंच गए घर पे, अब यार बैठता हूँ मैं एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि टाइम काफी हो गया, आपने व्लॉग देखना भी है। तो चलो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। यार अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो मेरे व्लॉग को, और आगे शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, मुझे ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे। ठीक है मैं डीमोटिवेट जल्दी जल्दी नहीं होता हूँ, लेकिन यार जब व्यूज कम आते हैं ना थोड़ा सा झटका लगता है दिल को, तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं लगा हुआ हूँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी थोड़ा सा साथ तो दे दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।